हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। गाइस मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। तो यार कैसे हो आप सब। तो गाइस आज का जो ये वीडियो है ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ भाई साहब एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी, एक गुड न्यूज, जिसको सुनने के बाद भाई साहब आप उछलने लगोगे, कूदने लगोगे एंड मतलब क्या ही बोलूं यार, मजा आने वाला है। तो बस वीडियो को पूरा देखना। चलो आपको बताता हूं कि आखिर क्या आया है भाई साहब खुशखबरी। तो चलो यार आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। देखो गाइस यहां पे सीन कुछ ऐसा है ना कि कुछ इंटरनल सोर्सेस से, हाँ गाइस कुछ इंटरनल सोर्सेस से, जैसे कि न्यूज वाले मीडिया वाले बोलते हैं ना कि सूत्रों के अनुसार, तो कुछ सूत्रों के अनुसार भाई साहब एक खबर आई है कि PUBG मोबाइल इंडिया में वापस आने वाला है, लेकिन इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर अगले साल 2021 को जनवरी से लेके मार्च के बीच में PUBG मोबाइल वापस आ सकता है। लेकिन देखो गाइस मैं सोर्सेज वगैरह पे या मतलब कह सकते हो कि सूत्रों वगैरह पे भरोसा करना बहुत ही कम प्रिफर करता हूं। मैं ज्यादातर फैक्ट्स वगैरह पे भरोसा करता हूं। और जब इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने रिसर्च वगैरह किया तो भाई साहब पहले तो मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल आर्टिकल्स या कह सकते हो कि स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट किसी भी न्यूज चैनल ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया था। तो मतलब पहले तो मुझे लगा कि भाई साहब हो सकता है कि ये न्यूज फेक है या सिर्फ र्यूमर्स है। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर है, कुछ ऐसे स्ट्रीमर्स है जिन्होंने भाई साहब डायरेक्ट वे में ये कहा कि 2020 खत्म होने के बाद बहुत कुछ वापस आने वाला है, बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, जिससे मतलब सभी खुश होने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पे गाइस मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि कल स्काउट भाई अपने चैनल पे लाइव थे, जैसा कि आप सभी जानते हो, और उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में एक पार्ट पे, मतलब स्टार्टिंग के ही पार्ट में एक ऐसा बात बोला जिससे यार मतलब सुनने के बाद मैं तो शॉक हो गया। पहले मैं आपको वो पार्ट दिखा देता हूं, तो ये आप देखो। एक छोटा सा आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। 2020 खत्म होते होते बहुत कुछ वापस आएगा और बहुत मजा आएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि भाई साहब स्काउट भाई ने अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान ये कहा कि भाई साहब 2020 खत्म होने के बाद बहुत कुछ ऐसा है जो वापस आने वाला है। एंड बस उन्होंने इतना ही कहा इनडायरेक्ट वे में। इनफैक्ट सिर्फ स्काउट भाई नहीं, काफी सारे ऐसे स्ट्रीमर हैं जिन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ कहा है। एंड मेरे भी यार कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह थे PUBG मोबाइल के साथ, तो मैंने कोशिश किया यार कि किसी के साथ कॉन्टैक्ट हो जाए, वार्तालाप वगैरह हो जाए। एंड एक बंदे के साथ हुआ भी, तो मैंने बस यही उनको बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा न्यूज आ रहा है, तो क्या ये सच है या फिर गलत है। तो वहां से भी यार कुछ डायरेक्ट आंसर नहीं आया, इनडायरेक्ट वे में ही आंसर आया कि हाँ 2020 खत्म होने के बाद कुछ स्पेशल आने वाला है, कुछ न्यू आने वाला है, ऐसा बस मुझे आंसर मिला, दैट्स इट। तो यार मुझे जहां तक लगता है कि हो सकता है कि भाई साहब PUBG मोबाइल का इंडियन वर्जन आ सकता है 2021 में, या फिर हो सकता है कि भाई साहब PUBG मोबाइल का ग्लोबल वर्जन ही आए लेकिन Tencent उसमें ना रहे, यानी कि विदाउट Tencent PUBG मोबाइल आ सकता है। अब यार मुझे नहीं पता, आई डोंट नो यार कि इतना कॉन्फिडेंशियल इसको क्यों रखा जा रहा है, इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता। बट जो भी हो यार, अपने को क्या, अपने को बस PUBG चाहिए वापस, और वो कैसे भी आए मजा आने वाला है यार। एंड एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि गाइस देखो यहां पे 2 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं और अभी तक PUBG मोबाइल का सर्वर को ऑफलाइन नहीं किया गया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि भाई साहब अब शायद ही PUBG मोबाइल का सर्वर ऑफलाइन हो, बट इस चीज को एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे मतलब 90% चांसेस यही लग रहा है कि अब शायद PUBG मोबाइल का सर्वर ऑफलाइन होगा, लेकिन देखते हैं कि आगे और क्या होता है। एंड हाँ, एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर चल रहा होगा कि भाई साहब अगर PUBG मोबाइल का इंडियन वर्जन आया तो हमारे पास जो ग्लोबल वर्जन में आउटफिट्स है, गन्स की स्किन है, उसका क्या होगा। तो चलो इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। तो देखो गाइस यहां पे बस दो पॉसिबिलिटी बनता है, या तो हम भाई साहब जीरो से शुरू करें, अगर PUBG मोबाइल का इंडियन वर्जन आया तो हो सकता है कि हमें जीरो से सब चीज शुरू करना होगा, हमें वापस से गन्स के स्किन आउटफिट्स वगैरह खरीदने पड़ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ग्लोबल वर्जन
वर्जन में जो भी हमारे पास सामान वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दे अपने इंडियन वर्जन में, यानी कि स्विच कर ले अपने अकाउंट को, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है यार कि मतलब इंडियन वर्जन ही आए, हो सकता है कि ग्लोबल वर्जन ही रहे, लेकिन यहाँ पे एक नई कंपनी के साथ आए, बेसिकली एक नई इंडियन कंपनी के साथ आए, तो अभी कुछ भी कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कुल मिला के भाई साहब बात यही निकल के आता है कि अगले साल मतलब बस 2 महीनों के बाद हमें एक गुड न्यूज़ मिल सकता है कि भाई साहब हमारा PUBG वापस आ गया। लेकिन जब तक हमारा PUBG वापस नहीं आ जाता भाइयों, आपके लिए मैं बहुत ही कमाल का चीज़ प्लान कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैं अपने चैनल पे यार मतलब गेमिंग के साथ साथ व्लॉगिंग भी शुरू करने वाला हूँ, तो मतलब इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक से शुरू कर दूंगा। एंड होप करता हूँ कि आपको मज़ा आए, क्योंकि बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो गेमिंग के साथ साथ व्लॉगिंग के लिए भाई साहब हो जाओ तैयार। अब देखो गाइस, इतना कमाल का आप लोगों को न्यूज़ दिया हूँ, मतलब एकदम गुड न्यूज़ दिया हूँ, बेहतरीन न्यूज़ दिया हूँ, तो इस बात पे लाइक बनता है यार। मतलब 10,000-20,000 लाइक आप जितना कर सकते हो कर दो, लेकिन बिना लाइक करके गए तो यार मैं तो यही समझूंगा कि आप PUBG के फ़ैन नहीं हो, आप फ्री फायर के फ़ैन हो। तो यार बस लाइक ठोको जितना लाइक कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भाई साहब देखो फ्री फायर वाले चैनल्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं यार, बहुत तेज़ी से। जब से PUBG बैन हुआ है फ्री फायर वाले तो बहुत ही आगे निकल गए, तो यार उनको हराना है कि नहीं हराना है। तो यार इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को क्लिक करो यार जल्दी से, और वीडियो को शेयर करो अपने भाई बंधु यार दोस्त सभी के साथ, ताकि सभी को ये कमाल का गुड न्यूज़ मिल सके और सभी इंजॉय कर सके। तो अभी इसी वक्त शेयर कर दो एंड कॉमेंट करो, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल जवाब जो भी है कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताना कॉमेंट बाबा में। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।